मालदीव्स में छुट्टियां मना रहे सेलेब्स पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फूटा गुस्सा, बोले अपनी तस्वीरें अपने पास रखें। देश भर के कई राज्यों में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और ऐसे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी फिल्मों और शोज की शूटिंग बंद कर दी गई है, तो वहीं कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए हैं। सेलेब्स मालदीव्स और अन्य जगह पर छुट्टियों का मजा ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। ये सब देखते हुए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उन सेलेब्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। हाल ही में एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास खाना नहीं है, लोग परेशान हैं और ऐसे में आप पैसे फेंक रहे हो, कुछ तो शर्म कीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो लोग क्या बात करेंगे, इन लोगों ने तो मालदीव्स को तमाशा बना रखा है। मुझे नहीं पता उनके टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ क्या अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन इंसानियत के नाते प्लीज अपनी छुट्टियों की तस्वीरें अपने पास तक रखें। यहाँ सभी इस मुश्किल समय को झेल रहे हैं, कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जो लोग मुश्किल समय को झेल रहे हैं उन्हें ये फोटोज दिखाकर उनका दिल न तोड़ें। नवाज ने आगे कहा कि हम जो एंटरटेनर्स हैं हमें थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, हमें कई लोग फॉलो करते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नवाज से जब पूछा गया कि क्या आप कभी मालदीव्स जाएंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर बुधाना में परिवार के साथ हूँ, यही मेरा मालदीव्स है। बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहले एक्ट्रेस श्रुति हासन, शोभा डे और भी कई लोग छुट्टियां मनाने जा रहे सेलेब्स को खरी खोटी सुना चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग भी इन सेलेब्स को ट्रोल कर रहे हैं।